हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शैलेश मौर्य, और आज हम लोग अपने वीके जायसवाल के केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में हमसे पूछ रखा है कि द लैटिस एनर्जी ऑफ KF, KCl, KBr एंड KI फॉलो द ऑर्डर। अब देखिए, आपको पता है जो लैटिस एनर्जी होती है, जो भी लैटिस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1, Q2 अपॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन के। ठीक है, ये लैटिस एनर्जी का आपका फॉर्मूला होता है। तो यानी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इन्वर्सली। तो इन सभी में आप देखिए, पोटेशियम तो कॉमन ही है इस क्वेश्चन में। किसका साइज चेंज हो रहा है? केवल और केवल एनायन का साइज चेंज हो रहा है। तो एनायन जितना ज़्यादा छोटा होगा आपका लैटिस एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें एनायन सबसे छोटा केस है? 16 का ए ऑप्शन है, जिसमें फ्लोराइड है सबसे छोटा है, यानी उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए 16 का क्या आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। आइए क्वेश्चन 17 करते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या बोला है कि विच सेट ऑफ कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयनिक कंपाउंड हैज़ द हाइएस्ट लैटिस एनर्जी। यहाँ पे क्या होना चाहिए? लैटिस एनर्जी होना चाहिए। अब देखिए, लैटिस एनर्जी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो KCl और M, अच्छा इसमें एक और चीज़ आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे क्या नोट किया जा सकता है, यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज इज डोमिनेटिंग। चार्ज क्या होता है? एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। अगर चार्ज और साइज में कंपेयर करना होगा तो चार्ज को आप क्या मानोगे? डोमिनेटिंग फैक्टर मानोगे। चलो यहाँ पे देखते हैं, KCl और MgO लिखा, इन दोनों में पहले तो चार्ज Mg पे ज़्यादा चार्ज है, मतलब इसमें इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा। LiF और LiBr इसमें कैसे कंपेयर करेंगे? साइज के बेसिस पे। फ्लोरीन का साइज छोटा तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, तो इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। Mg3N2 और NaCl, तो इसमें किसका ऑप्शन आना चाहिए? Mg3N2 चार्ज के बेसिस पे। तो ऐसा किसी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऐसा अगर आप देखोगे तो 17 के आपके डी ऑप्शन में यही सेम बातें दे रखी हैं, तो इसीलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में क्या बोल रखा है? द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी इज। तो अभी मैंने आपको बताया लैटिस एनर्जी डायरेक्टली थी चार्ज के, और इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल थी? साइज के। इट मे बी फॉर कैटायन और इट मे बी फॉर एनायन, ठीक है ना। ये और इसमें ये कैसा फैक्टर था? ये एक डोमिनेटिंग फैक्टर था। तो इनकरेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे अल्मोनियम पे चार्ज ज़्यादा तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे अगर लिथियम कॉमन है तो N3- और O2-, तो N3- पे चार्ज ज़्यादा तो ठीक है। यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, इसकी वैलेंसी 4 है, C4 होना चाहिए, ट्राइटिनियम की फोर्थ वैलेंसी वाला। यहाँ पे 3 है तो ये गलत है। यहाँ पे देखिए NaCl और LiF है, तो दोनों पे चार्ज तो सेम है, Na+ है, Li+Cl-F-, तो चार्ज तो सेम है, तो किससे कंपेयर करेंगे? साइज से। LiF का साइज छोटा हो जाएगा और NaCl का साइज बड़ा हो जाएगा, इस वजह से इसमें जो करेक्ट ऑर्डर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? NaCl <LiF ऑन द बेसिस ऑफ साइज, क्योंकि इस एटम का साइज छोटा होगा और इसका बड़ा हो जाएगा। तो इनकरेक्ट यही है, इसीलिए यही सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 19 करते हैं। क्वेश्चन 19 हमसे क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी। तो किसके पास लैटिस एनर्जी ज़्यादा है? तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, चार्ज ऑफ केटायन और चार्ज ऑफ एनायन। जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जितने भी गिवन ऑप्शन है, इसमें ये जो ऑप्शन सी को आप देखिए, ये AlN है, ये कैसे बना होगा? अल्मोनियम 3+ और N3- जब आपस में कंबाइन किए होंगे तो किसका फॉर्मेशन हुआ होगा? Al। इसमें कैटायन भी 3 पॉजिटिव है, एनायन भी 3- है, यानी ओवरऑल नेट चार्ज इस कंपाउंड सबसे ज़्यादा है, इसीलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा? 19 का सी हो जाएगा। बाकी और ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा। इस ऑप्शन में क्या दिक्कत थी? अल्मोनियम तो 3+ है लेकिन F सिंगल माइनस है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में क्या बोला है? द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लैटिस एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। तो पहले हमने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? चार्ज। तो पहले जिसका चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, तो देखिए आपका इसमें देखिएगा तो आपके पास कौन कौन से स्पीसीज दे रखी हैं। आपको दे रखा है इन्होंने NaBr, और क्या दे रखा है आपको? NaCl, और क्या दे रखा है? BaO दे रखा है, और क्या दे रखा है? CaO। तो देखो ये जो इतनी स्पीसीज हैं ये +2 चार्ज वाली हैं, ठीक है, थीके? और ये वाली कितनी वाली है? ये +1 चार्ज वाली स्पीसीज हैं, अगर हम कैटायन की बात कर रहे हैं। तो पहले तो +2 वालों का नंबर आएगा, तो CaO और BaO पहले आने चाहिए। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड होगा? इन दोनों में डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जिसका साइज छोटा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा। यहाँ पे कैल्शियम का साइज छोटा होता है बेरियम के कंपैरिजन में, तो यानी सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी? CaO की होगी।
तो ये पूरे चारों में सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, सी ए ओ की हो जाएगी। ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में, तो ए और डी तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, तो सी ए ओ आना चाहिए फिर बी ओ, यहाँ भी दे रखा है सी ए और बी ओ। फिर देखिए एन ए सी एल एन ए बी आर में जिसका साइज छोटा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, तो किसका साइज छोटा है, एन ए सी एल का साइज छोटा है, तो एन ए सी एल फिर एन ए बी आर, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 में हमसे क्या पूछ रखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल गिव स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक बॉन्ड, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेगा। देखिए जिस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा होता है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक बॉन्ड पूछने का मतलब क्या है कि बोलना चाह रहे हैं किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि जिस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो गिवन कंपाउंड में सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी हो जाएगी आप बताइए, ऑप्शन डी की, इसीलिए ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 क्या बोलता है, अमॉन्ग द फॉलोइंग आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड द वन विद द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी इज, तो अब देखो सब यूनिपॉजिटिव वाले हैं, एक एक प्लस वाले हैं, लेकिन एमजीओ में कैसा है, डाईपॉजिटिव है, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले एक बार हम क्वेश्चन 24 डिस्कस कर लेते हैं फिर 23 डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24 क्या कहता है कि सेलेक्ट द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन स्टेटमेंट, फ्लोराइड ऑफ अल्मोनियम इज आयनिक वाइल द क्लोराइड ऑफ अल्मोनियम इज कोवेलेंट। इसका मतलब क्या होता है कि AlF3 कैसा होता है, ये आपका आयोनिक होता है, लेकिन AlCl3 ये कैसा होता है, ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है, तो इसी का आपको रीज़न पूछा है। देखो किसी भी ये आयोनिक होता है, इसका कारण इसलिए होता है कि AlF3 की जो लैटिस एनर्जी होती है वो AlCl3 के लैटिस एनर्जी से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। देखो अगर आपका टोटल आयनिक कंपाउंड बनना है तो उसकी बनने की चीज़ें भी फिजिबल होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी हमेशा निगेटिव होती है, यानी एनर्जी रिलीज होती है, तो अगर वो जो एनर्जी रिलीज होगी वही प्रोसेस को ओवरऑल आपके फिजिबल बना रही है, तो यहाँ पे AlF3 आयनिक इसीलिए हो पाता है क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, ओवरऑल निगेटिव हो जाएगी, लेकिन AlCl3 के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, इसीलिए AlCl3 कैसा हो जाएगा आपका, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है, बाकी आप किसी और ऑप्शन को देखोगे तो वो मैच नहीं करेगा, यानी किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होना है तो उसमें लैटिस एनर्जी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी उसमें उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा, उसका फॉर्मेशन उतना अच्छा होगा, यानी आयनिक कंपाउंड के बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, वरना कैसे कंपाउंड बन जाएंगे, कोवेलेंट बन जाएंगे। अब आइए लास्ट 23 क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक बार हम 23 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 23 में हमसे क्या बोलता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा HF इज नेगेटिव ओनली ड्यू टू लैटिस एनर्जी। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में कहना चाहता है, इसका मैं आपको रियल मीनिंग बताऊं इस पर्टिकुलर लाइन का, तो इसकी मीनिंग ये है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें केवल डेल्टा H नेगेटिव है लैटिस एनर्जी का, दैट इज ये कहना चाह रहे हैं डेल्टा H इज नेगेटिव ओनली ऑफ लैटिस एनर्जी, इस लाइन का ये मतलब है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहे हैं ये, ऐसी कौन सा, इसमें से कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसमें डेल्टा एच निगेटिव तो हो लेकिन किसका निगेटिव हो, केवल और केवल लैटिस एनर्जी का निगेटिव हो। जैसे मैं आपको NaF को बताऊं, अगर आप इसके लिए पूरा का पूरा बॉर्न हेबर साइकिल लिखोगे तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, Na सॉलिड से ये क्या बना होगा, Na गैस बना होगा, सॉलिड से गैस में तो आपने एनर्जी दी होगी तो इसके लिए डेल्टा एच आप पॉजिटिव लिखोगे, चलिए आओ फिर Na गैस से आपने क्या बनाया होगा, Na गैस से आपने क्या बनाया होगा, Na प्लस गैसीय स्टेट में रखे होगे तो इसके लिए डेल्टा एच फिर से पॉजिटिव रहा होगा। वहीं पे अगर आपका फ्लोरीन है तो फ्लोरीन F2 है तो पहले F2 जो गैसीय स्टेट में था F2 से क्या बनाया होगा आपने, 2F में इसको ब्रेक किया होगा, इसके लिए भी डेल्टा एच क्या रहा होगा आपका, पॉजिटिव रहा होगा। फिर क्या होगा, इस फ्लोरीन गैस में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा तो यहाँ पे क्या बना होगा, F- गैसियस बना होगा, तो इसके लिए डेल्टा एच क्या होता है, इस पर्टिकुलर स्टेट में डेल्टा एच आपका निगेटिव आ जाता है। वहीं अब दूसरी बार क्या होगा, लास्ट स्टेप में क्या होगा, Na+ गैसियस
और F माइनस गैसियस, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देंगे, NaF गैसियस। इसके लिए डेल्टा H क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए क्या बोलोगे, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा कंपाउंड। लास्ट में अगर आप देखोगे तो यही जो NaF जो आपका बना हुआ है गैसियस, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaS सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, NaF सॉलिड में। तो ऐसा होगा तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी आएगी, तो इस पर्टिकुलर स्टेट को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी वाला स्टेट कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर आपसे मैं बोलूं कि क्या इसमें डेल्टा एच नेगेटिव केवल लैटिस एनर्जी के लिए है, नहीं, इसमें डेल्टा एच दो चीज़ों के लिए नेगेटिव है, एक तो लैटिस का तो डेल्टा एच ऑलवेज नेगेटिव होगा, दूसरा आपका जो ये फ्लोरीन वाला केस है इसमें भी डेल्टा एच क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है। तो इसमें जो लिखा था नेगेटिव ओनली ड्यू टू लैटिस एनर्जी, तो NaF उसमें कभी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने बोला इसका मतलब क्या है, निगेटिव ओनली फॉर लैटिस एनर्जी, लेकिन जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो F माइनस हो जाएगा, तो उस केस में डेल्टा H आपका निगेटिव रहेगा। अच्छा, एक बार MgO को देखते हैं तो हो सकता है आपको और क्वेश्चन समझ में आए। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे हम किसके लिए बना रहे हैं, मैग्नीशियम के लिए तो सेम सारी चीज़ होंगी, हम O माइनस के लिए देखो, सबसे पहले क्या होगा, जब ऑक्सीजन गैस में एक इलेक्ट्रॉन आप दोगे तो ये क्या बनाएगा, O माइनस गैस बनाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा H आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा। लेकिन फर्दर जब O- गैसियस में आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये बनाएगा O2- गैसियस। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा H आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसको अगर डेल्टा H1 बोले और डेल्टा H2 बोले, तो इस पर्टिकुलर केस में डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको पता होता है कि Ea1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 किसी एलिमेंट के लिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 किसी एलिमेंट के लिए दोनों का सम ऑलवेज क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। तो अगर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 करो तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डेल्टा H एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यानी इस पर्टिकुलर केस में केवल और केवल निगेटिव होने का चांस किसका था, एनायन का था। लेकिन जितने भी आपके पॉलीवेलेंट एनायन होंगे जिसकी एक से ज़्यादा वैलेंसी है, तो उसके केस में आपको क्या दिखेगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 पॉजिटिव दिखेगा। यानी इस पर्टिकुलर केस में केवल और केवल निगेटिव क्या आ पाएगी, आपकी लैटिस एनर्जी आ पाएगी। तो इसलिए जितने भी पॉलीवेलेंट एनायन होंगे उसमें, जैसे ये भी एक पॉलीवेलेंट एनायन है N3- है, तो इसके फॉर्मेशन में भी जो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो केवल और केवल इस पूरे इसके लिए अगर आप पूरा ये बॉर्न हेबर साइकिल लिखेंगे तो केवल और केवल क्या निगेटिव आएगा, लैटिस ही निगेटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ के लिए भी केवल और केवल लैटिस ही निगेटिव आएगा। कभी भी आपका वो जो चीज़ें हैं ये वाली, ये कभी उसमें पॉजिटिव आपकी नहीं आ पाएंगे, सॉरी निगेटिव नहीं आ पाएंगे, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो इस वजह से आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ओनली 2, 3 एंड 4। और ये काफ़ी अच्छा आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे वीके जायसवाल के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो उसको आप कमेंट में मेंशन करें, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।